हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड कार केयर। आज अपने पास गाड़ी आई हुई है, मारुति सुजुकी बलिनो। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में इंजन चेक लटा रही है, प्लस एक्सीलेट करने पे ये गाड़ी काफ़ी मिसिंग कर रही है। आरपीएम भी इसके काफ़ी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो इस गाड़ी में हमने सबसे पहले इसे अनलॉकअप किया और चेक किया कि इसमें चेक लट क्यों आ रही है, प्लस ये मिसिंग क्यों कर रही है। और कस्टमर की कंप्लेंट थी कि ये गाड़ी 60-70 प्लस स्पीड भी नहीं जा रही है। तो हमने इसमें स्कैनर हुकअप किया है और स्कैनर अभी कनेक्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, अपना स्कैनर है ये PS70 Pro। और ये हम लोगों ने इसमें सिस्टम सिलेक्शन, इंजन पावर ट्रेन और ट्रेवल कोड रीड किए। तो देख सकते हैं आप, इसमें ट्रेवल कोड आ रहे हैं P0300 प्लस P03001। ये दोनों मिसिंग के कोड हैं। इसमें 3001 दिख रहा है, यानी वो सिलेंडर ज़्यादा ही मिसफायर कर रहा है, और P03000 दिखा रहा है। इसका मतलब चारों के चारों सिलेंडर मिसिंग हैं, पर वो कभी मिसिंग कर दे रहे हैं। इसके दो ही फॉल्ट कोड, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या फिर इसमें पेट्रोल गंदा पड़ा हुआ है, या फिर इसके स्पार्क प्लग शॉर्ट है, या फिर इसके हेड के वाल लीक है। तो हम लोगों को फॉल्ट मिल चुका है। इसके जो प्लग हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर पानी जा चुका था। तब कस्टमर से पूछा तो कस्टमर ने कहा हाँ, ये गाड़ी मैंने एक बार पानी से धोई थी, तभी से दिक्कत आई है। यानी ये इसकी कॉइल थी, उनके अंदर पानी जा चुका था, इसके लिए स्पार्क प्लग बिल्कुल शॉर्ट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं ये नए स्पार्क प्लग हम लोग फिटिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने अच्छे से सिलेंडर हेड इसका साफ़ करके ले लिया है। और ये देख सकते हैं ओरिजिनल एन जी के स्पार्क प्लग हैं, जो कि कस्टमर की रिकमेंड थी। कस्टमर ने कहा था कि ये वाले डालो, ये बढ़िया चलते हैं। तो हम लोगों ने उनकी बात मानते हुए ये स्पार्क प्लग डाले, और ये अभी हम लोग कस रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये स्पार्क प्लग कसे जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी पेट्रोल गाड़ी धोते हो प्लग से, तो उनके प्लग काफ़ी जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। आप वहीं अपनी गाड़ी धो या धुलवाओ जहाँ आपके पास प्रेशराइज एयर हो, ताकि आप एयर मार के हाल के हाल अपनी जो पानी प्लगों के पास है उसे हटा सकें। तो देख सकते हैं हम, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, नो चेक लाइट और नो ट्रेवल कोड आ रहे हैं इसमें। तो अब चेक करते हैं, आपको एक्सीलेटर करके चेक कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, पहले इसका एक्सीलेटर कितने धीरे हो रहा था, पर अब ये देखिए आप, एक्सीलेटर इसका हाल पैर लगाते ही ऊपर जा रहा है। यानी इस गाड़ी में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है, इसकी मिसिंग ख़त्म हो चुकी है। आइए आपको इसका इंजन भी दिखाते हैं। रोटर गाड़ी का चेक करें इसकी।